Welcome to the first video on the poem The Election by Sita Kant Mahapatra. Kavita The Election, जिसके रचयिता हैं सीता कांत महापात्र. इस कविता के पहले वीडियो में आपका स्वागत है. सीता कांत महापात्र इज एन ओरिया राइटर. सीता कांत महापात्र उड़ीसा के रहने वाले थे और उन्होंने उड़िया भाषा तथा इंग्लिश भाषा में कविताओं की रचना की है. He talks about the reality and the present moment of life. This is the speciality of his poems. सीताकांत महापात्र सत्य पर आधारित, वर्तमान पर आधारित रचनाएं करते हैं. ये उनकी विशेषता है. The reality of his works is not what we see or perceive with our eyes, but the reality of life itself. What he says, what he talks about is the actual condition of life. सीताकांत महापात्र जब सत्य पर आधारित रचनाएं लिखते हैं तो वो उस सत्य की बात करते हैं जो हम अनुभव करते हैं, न कि वो सत्य जिसकी हम चर्चा करते हैं या जो मात्र सिद्धांत है. द पोएम इलेक्शन इज बेस्ड ऑन द पोस्ट कॉलोनियल डिसइल्यूजनमेंट. द पोएम इज अ नैरेटिव ऑफ एन इलेक्शन डे इन इंडिया. हियर वी फाइंड दैट द पोएम द इलेक्शन इज बेस्ड ऑन व्हाट वी रियली थिंक अबाउट इलेक्शन एंड व्हाट इज द ट्रू फेस ऑफ द होल इलेक्शन प्रोसेस. यहां हम देखते हैं कि इलेक्शन को लेकर जिस तरह की गलत फहमियां होती हैं वोटर के दिमाग में, आम जनता के दिमाग में, वो क्या है, और उस गलत फहमी से परे इलेक्शन का सत्य क्या है, वो इस कविता में हमें देखने को मिलता है. यह कविता इलेक्शन के एक दिन के अनुभव पर आधारित है. लेट अस सी द फर्स्ट 10 लाइंस ऑफ द पोएम इन द फर्स्ट वीडियो. दिस पोएम विल बी कवर्ड इन 2 वीडियोस. इस कविता को हम 2 वीडियोस में कवर करेंगे. सबसे पहले हम पहला वीडियो देखते हैं जिसमें लाइन 1 से लेकर के 10 तक शामिल की गई हैं. द ओरिजिनल लाइन्स ऑफ द पोएम आर, अ जीप क्रॉल्स टू योर विलेज सीकिंग स्ट्रेंज मेलोडीज फ्रॉम द रोरिंग सन. द कॉमन विल फ्रॉम द क्रिस क्रॉस जियोमेट्री ऑफ प्राइवेट एगनीज. Our dark longings do not touch you, nor our trappings of posters, symbols, speeches, handbills, for your grief outlives empires. Kavita ki pehli 10 पंक्तियों में सीताकांत महापात्र जो विवरण देते हैं, जो चित्र प्रस्तुत करते हैं, वो इस प्रकार है. आ जीप क्रॉल्स टू योर विलेज. यहां बोलने वाला इलेक्शन रैली का एक व्यक्ति है, अ पर्सन हु इज अ पार्टिसिपेंट ऑफ द इलेक्शन रैली. He says, our jeep crawls to your village. Our jeep, which has come for election campaigning, it is crawling to your village. The reason being that the roads are in a very shattered condition and we are not used to
द ज्योग्राफिकल कंडीशंस ऑफ योर विलेज। यहां पर वक्ता ये बोलता है, जो कि इलेक्शन कैंपेन में शामिल होने वाला एक व्यक्ति है, वो ये बोलता है कि हमारी जीप आपके इस गांव में आकर के रेंग रेंग कर चलती है। जीप के रेंगने का अर्थ है कि वहां की सड़कों की हालत या गली गलियारों की हालत खस्ता है, दूसरी बात यहाँ के भौगोलिक स्थितियों से वो बहुत ज्यादा सामंजस्य नहीं बिठा पाते हैं। सीकिंग स्ट्रेंज मेलोडीज, सीकिंग स्ट्रेंज मेलोडीज। नाउ हियर ईच वन इज सीकिंग समथिंग फ्रॉम द अदर। द पर्सन हु हैज कम टू रिप्रेजेंट हिज पॉलिटिशियन इज सीकिंग द वोट, and the voter has some expectations from whosoever has come as the representative. Yahan par jo election ki campaigning karne ke liye aaya hai wo apni kuch expectations lekar ke aaya hai aur voter ko bhi badle mein unse kuch expectations hain. Seeking strange melodies from the roaring sun, and on the other hand, they see that the picture of the roaring sun, the scorching heat of the sun, and a very noisy background can be visualized or can be experienced. यहाँ पर सूरज की तेज तीक्ष्ण धूप देखने को मिल रही है, साथ ही गांव का शोरगुल देखने को मिल रहा है। इन जनरल भी शोरगुल होता है और इलेक्शन का जो एटमॉस्फियर क्रिएट हुआ है, द होल इलेक्शन एटमॉस्फियर अमाउंट्स टू अ लॉट ऑफ साउंड, अ लॉट ऑफ नॉइज दैट अदरवाइज इज नॉट फाउंड अंडर नॉर्मल कंडीशंस। द कॉमन विल, the common will is the democratic concept that the government of the people, for the people, by the people is to be made. Common will ka matlab hai logon ke mat par aadharit, logon ki ichhaon par aadharit jo sarkar banane ka concept hai wo. From the criss-cross geometry of private agonies. Now the criss-cross geometry signifies the way the roads or the lanes of the village have been made. Second thing, there is a lot of unsystematic atmosphere. Both these things signify or justify the concept of criss-cross geometry. यहां हम देखते हैं कि एक तो गांव की जो गलियां हैं वो क्रिस क्रॉस हैं, बहुत सिस्टमैटिक, बहुत ही अच्छा लेआउट या प्लान बना करके गांव की रचना नहीं की गई है। दूसरी बात कि गांव में इन जनरल पीपल हैव अ वेरी इजी वे ऑफ लिविंग, बहुत सरलता से सहजता से जीते हैं, इसलिए वहां के अनुशासन को शहर के या मेट्रो अनुशासन से हम तुलना नहीं कर सकते हैं। उसको यहां पर इसने क्रिस क्रॉस ज्योमेट्री से कंपेयर किया है ऑफ प्राइवेट एगनीज, एंड अलोंग विद दिस देयर आर प्राइवेट एगनीज। इसके साथ ही साथ कुछ व्यक्तिगत वेदनाएं भी हैं। व्यक्तिगत वेदनाओं पर जब हम बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट द प्राइवेट एगनीज ऑफ ओरिसा, वी फाइंड that Orissa has time and again been hit by poverty, famine or natural disasters which have played havoc with the lives of the people, and they are here mentioned as private agonies. Orissa ki jab hum baat karte hain to yahan par
प्राकृतिक आपदाएं बहुत अधिक होती हैं। यहाँ भूखमरी होती है, बाढ़ होती है, भूकंप होते हैं। इस तरह की सिचुएशंस में लोगों के सामने त्राही त्राही करके जीने वाली स्थितियां बारंबार बनती हैं, जिनको यहाँ प्राइवेट एगनीज का नाम दिया गया है, जब लोग भूख से मर रहे होते हैं और उनके लिए सर्वाइवल एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। Our dark longings do not touch you. Our dark longings do not touch you. Here, since the poem is being narrated by the person who has come for the election campaign, यहां पर वक्ता election campaign में आया हुआ व्यक्ति है। वो कहता है, Our dark longings do not touch you. We have come here with a longing, with a desire that we need your vote and we need you to vote in favor of our party. Nor are trappings, nor are you touched by those trappings, those net type of things which we have laid for you. यहाँ पर वक्ता ये कहता है कि हम एक लंबे अरसे के बाद, पिछले चुनाव से अब तक जो समय बीता है, उस समय के बाद हम अब यहाँ पर आए हैं एक लॉन्गिंग लेकर, एक डिजायर लेकर के, लेकिन उस डिजायर्स पर, उस डिजायर का तुम लोगों पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है। नॉर आर ट्रैपिंग्स, ना ही जो जाल हम बुन करके आते हैं, वो उस जाल का तुम पर कोई असर पड़ रहा है। जाल क्या है? What are the trappings? The trappings are of posters, symbols, speeches, handbills. यहां पर we have come to trap you. We have come to, in a way, hypnotize you with these things like posters, which are glossy and which are colorful and which would divert your mind from your own misery to a very glamorous political upliftment. यहां पर वक्ता ये बोलता है कि हम एक बहुत ही डिफरेंट पिक्चर क्रिएट करके तुम लोगों को सम्मोहित करने का या किसी जाल में फंसाने का प्रयास करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल पोस्टर्स हैं जो बहुत कलरफुल हैं, बहुत ग्लॉसी हैं और जिनसे हम बहुत अच्छी राजनीतिक व्यवस्था का एक सपना तुम्हें दिखाते हैं, या सिंबल्स, संकेत चिन्ह जो हम लोग यूज करते हैं, और स्पीचेस, जो स्पीच हम तुम लोगों को देते हैं, जो इलेक्शन स्पीच हम तुम लोगों को देते हैं वो, एंड हैंडबिल्स, हैंडबिल्स आर द स्मॉल पेपर्स विच आर डिस्ट्रीब्यूटेड हैंड टू, फ्रॉम वन हैंड टू द अदर, जो हाथों से पर्चे बांट बांट करके इलेक्शन कैंपेनिंग की जाती है वो हैंडबिल्स। क्यों? फॉर योर ग्रीफ आउटलिव्स एम्पायर्स, बिकॉज यू आर सो फुल ऑफ ग्रीफ, you are so full of your own troubles that your troubles are larger in size than the size of an empire. Kyunki tumhari apni vedna, tumhari apni vyatha itni adhik hai, roti kapda aur makan ki basic necessities ki, essential survival factors ki tumhari grief hai, that is why we feel that your grief outlives empires. Your grief is too big as compared to the things with which we are trying to lure you. यहाँ पर वो कहता है कि हम जिन चीजों से तुम्हें हिप्नोटाइज करने का, सम्मोहित करने का प्रयास कर रहे हैं, वो सब चीजें बहुत छोटी पड़ जाती हैं, क्योंकि तुम्हारी वेदना हमारी इन छोटी छोटी चीजों से बहुत ज्यादा अधिक है, क्योंकि तुम अपने बेसिक जीवन यापन के लिए ही संघर्ष कर रहे हो। Let us cast a look on the glossary of important words and phrases of the first video. यहां हम कुछ शब्द और वाक्यांश देखते हैं। Election, the time and process of choosing a member of parliament, president, etc. by voting. मतदान द्वारा संसद सदस्य, राष्ट्रपति आदि का निर्वाचन। जीप,
अ स्मॉल स्टर्डी मोटर व्हीकल विद फोर व्हील ड्राइव एस्पेशली वन यूज्ड बाय द मिलिट्री अ कार सूटेबल फॉर ट्रैवलिंग ओवर रफ टेरेन हल्की मोटर जो कि बहुत ऊबड़ खाबड़ जमीन पर आसानी से चल पाती है क्रॉल टू मूव एट अ वेरी लो स्पीड टू मूव स्लोली विद योर बॉडी ऑन और क्लोज टू द ग्राउंड और ऑन योर हैंड्स एंड नीज यूज अबाउट व्हीकल्स टू मूव वेरी स्लोली हाथों और घुटनों के बल चलना रेंगना या वाहनों का बहुत धीरे धीरे चलना विलेज अ ग्रुप ऑफ हाउसेस विद अदर बिल्डिंग्स फॉर एग्जाम्पल अ शॉप स्कूल एटसेट्रा इन अ कंट्री एरिया अ विलेज इज स्मॉलर देन अ टाउन गांव ग्राम कुछ मकान व अन्य भवनों का समूह जैसे स्कूल चिकित्सालय आदि यह कस्बे से भी छोटा होता है अराइव टू रीच द प्लेस टू विच यू वर ट्रैवलिंग टू कम और हैपन किसी स्थान पर यात्रा करके पहुंचना आना आ पहुंचना या होना सीकिंग टू ट्राई टू फाइंड और गेट समथिंग टू आस्क somebody फॉर समथिंग कुछ ढूंढने या पाने की कोशिश करना तलाश करना किसी से कुछ मांगना लेना या अनुरोध करना मेलोडीज अ सॉन्ग और ट्यून द मेन ट्यून ऑफ अ पीस ऑफ म्यूजिक सिंगिंग चैंटिंग ऑल्सो ट्यून वॉइस और लाइन is a linear succession of musical tones that the listener perceives as a single entity. A line or part need not be a foreground melody. Geet ya dhun, kisi sangeet rachna ki mukhya dhun. Harmony, a state of agreement or of peaceful existence together, a pleasing combination of musical notes, colors, etc. Samanjasya, talmel, swaro, rango adi ka madhur sanyojan, sahaswarta, roaring, making a very loud noise, zor se shor karte hue, गरजते यहा दहाड़ते हुए कैओस अ स्टेट ऑफ ग्रेट डिसऑर्डर कंफ्यूजन घोर अव्यवस्था गड़बड़ी या अस्त व्यस्तता द कॉमन विल द विल और डिजायर ऑफ द कॉमन मैन और मासेस द कॉमन विल दैट इज डेमोक्रेसी which is very important in India. That is why he keeps the term in single inverted commas. आम जनता की इच्छा सामान्य नागरिकों की आवश्यकताएं इसीलिए इस अभिव्यक्ति को single inverted comma में दर्शाया गया है Cool, fairly cold, not hot or warm, when used about feelings to become less strong shital garm ya ushn nahi bhavnaon ka shant hona criss cross lines crossing each other in a haphazard manner ek dusre ko kaatti hui aadi tirchi rekhaen ya sadkein Bliss, perfect happiness, param anand, charam sukh ki anubhuti. Private, belonging to or intended for one particular person or group
एंड नॉट टू बी शेयर्ड बाय अदर्स, केवल एक व्यक्ति या समूह से संबंधित अन्य सदस्यों से सहभाजित नहीं, निजी या व्यक्तिगत। एगनीज, ग्रेट पेन और सफरिंग, तीव्र वेदना, तेज पीड़ा, व्यथा या कष्ट। आर डार्क लॉन्गिंग्स, अ लॉन्गिंग इज अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ नीड और डिजायर फॉर समवन और समथिंग। अ लॉन्गिंग डिस्क्राइब्स एन अनफुलफिल्ड डिजायर। लालसा, चाहत, अपूर्ण इच्छाएं जिनकी पूर्ति की इच्छा प्रबल हो। टच यू, अफेक्ट, इम्प्रेस, इन्फ्लुएंस, स्ट्राइक एंड स्वे, प्रोड्यूस और हैव एन इफेक्ट अपॉन। टच में कैरी अ विविड सजेशन ऑफ क्लोज कॉन्टैक्ट एंड मे कनोट स्टरिंग, अराउजिंग और हार्मिंग। प्रभावित करती हैं, संवेदना या प्रतिक्रिया उत्पन्न करती हैं। डू नॉट टच यू, फेल टू इंप्रेस और अफेक्ट यू। यू कैन नॉट रिलेट टू आर पेन एंड ट्रबल्स। प्रभावित नहीं करती हैं, संवेदना उत्पन्न नहीं करती हैं। क्लेवर, बी एबल टू लर्न, अंडरस्टैंड और डू समथिंग क्विकली एंड इजिली। इंटेलिजेंट, अ क्लेवर पर्सन इज समवन हु कैन फिगर आउट ऑलमोस्ट एनी सिचुएशन। इट डजंट नेसेसरिली मीन ही हैज द रिक्वायर्ड नॉलेज, बट ही इज हैंडी सो ही कैन ऑलवेज सॉल्व वॉट एवर कम्स हिज वे। हियर इट स्टैंड्स फॉर द पॉलिटिशियंस। क्लेवर का मतलब है चतुर, सयाना, बुद्धिमान। यहां ये इंगित करता है उन चतुर राजनीतिज्ञों को जो भोले भाले मतदाताओं की सादगी का नाजायज फायदा उठाते हैं। ट्रैपिंग्स, नेट, अ स्ट्रैटेजी थ्रू विच अ सुपीरियर और पावरफुल पर्सन ट्रैप्स एन इंफीरियर और वीकर पर्सन। हियर इट स्टैंड्स फॉर द मेथड्स यूज्ड बाय द पीपल इन द पॉलिटिकल कैंपेन रैली। जाल, फंदे या घेराबंदी करने वाली स्थितियां। यहां इसका प्रयोग चुनावी जुलूस में सहभागिता रखने वाले सदस्यों के लिए किया गया है। पोस्टर्स, अ लार्ज प्रिंटेड पिक्चर और अ नोटिस इन अ पब्लिक प्लेस, ऑफन यूज्ड टू एडवर्टाइज समथिंग। अ लार्ज पिक्चर प्रिंटेड ऑन पेपर That is put on a wall for decoration. सजावट के लिए दीवार पर लगाने का बड़ा मुद्रित चित्र। सार्वजनिक स्थान पर प्राय विज्ञापन के लिए बड़ा चित्र या नोटिस। सिंबल, अ साइन, ऑब्जेक्ट एटसेट्रा विच रिप्रेजेंट्स समथिंग। अ लेटर, नंबर और साइन दैट हैज अ पर्टिकुलर मीनिंग। वर्ण या अक्षर, अंक या चिन्ह जो किसी विशेष अर्थ को प्रकट करे। संकेत, किसी का प्रतिनिधित्व करने वाला चिन्ह, वस्तु आदि। या प्रतीक, हैंडबिल्स, अ हैंडबिल वॉज हैंडेड आउट एट अ शो और ऑन द स्ट्रीट
or wherever advertising the next show. A small printed advertisement or other notice distributed by hand. पोस्टर से छोटा विज्ञापन का पर्चा जो हाथ से एक एक व्यक्ति को बांटा जाता है. यहां हैंडबिल उस पर्चे के लिए यूज किया गया है जो इलेक्शन कैंपेन के लिए रैली में आए हुए लोग होते हैं. ये छोटे छोटे रंग बिरंगे पर्चे छपवा करके लाते हैं और उन पर्चों को ये ग्रामीण वोटरों के बीच में रैली के दौरान बांटते हैं और उसके माध्यम से ये अपनी पार्टी को वोट डलवाने के लिए लोगों को वोटरों को प्रेरित करते हैं या लुभाते हैं. ग्रीफ इंटेंस सोरो एस्पेशली कॉज्ड बाय समवन्स डेथ ट्रबल और एनॉयंस ग्रेट सैडनेस गहरा शोक विशेषतः किसी प्रिय के निधन से उत्पन्न. यहां ग्रीफ का जो प्रयोग किया गया है वो इसलिए किया गया है क्योंकि ओरिसा हैज बीन पॉवर्टी रिडन इट हैज बीन स्ट्रक by natural calamities again, and because of the natural disasters, the people have lost a good number of near and dear ones, a huge amount of their property, their belongings. They have been razed to the ground. That is why the word grief has been used by Sitakant Mahapatra. यहां कवि महापात्र ने grief के माध्यम से ये बताने का प्रयास किया है कि यहां पर जिस तरह से प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, जिस तरह से लोगों को बार बार कभी भूख का सामना करना पड़ रहा है, कभी बाढ़ का सामना करना पड़ रहा है, कभी कोई और प्राकृतिक आपदा आन पड़ी उसका सामना करना पड़ रहा है, उस पूरे प्रोसेस में, उस पूरी प्रक्रिया में इनका अनुभव इतना नेगेटिव होता है, इनका अनुभव इतना वेदना से भरा हुआ होता है कि इनके संगी साथी मर जाते हैं, इनकी प्रॉपर्टी तहस नहस हो जाती है, जो छोटी मोटी जमा पूंजी कमाई होती है वो इनकी बाढ़ में बह गई, जल गई, लूटपाट में चली गई. तो इस तरह की जो सिचुएशन इन लोगों को अपनी रियल लाइफ में फेस करनी पड़ती है उसके कारण इन्होंने यहाँ ग्रीफ का बहुत अच्छा उपयोग करके बताने की कोशिश की है कि आम तौर पर ओरिसा के लोगों की लाइफ बहुत ही वेदना से भरी हुई होती है. Outlive, to live or exist longer than somebody or something. किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु की अपेक्षा अधिक समय तक जीना या जीवित रहना. Empire, a group of countries that is governed by one country. A very large company or group of companies. Empire का मतलब होता है साम्राज्य, बहुत बड़ी कंपनियों का समूह. साम्राज्य एक देश द्वारा शासित दूसरे देशों का समूह. यहां वो बताने की कोशिश करते हैं कवि सीताकांत महापात्र, योर ग्रीफ आउटलिव्स एम्पायर्स. द ग्रीफ दैट यू पीपल हैव अंडरगॉन इज मच 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 बिगर देन व्हाट कैन बी इमेजिन्ड अबाउट द साइज और मैग्नानिमिटी ऑफ एन एम्पायर. हम किसी साम्राज्य की कल्पना करें कि वो कितना बड़ा, कितना विशाल होता है. अगर उस मैग्नानिमिटी को देखें, उस डायमेंशन को देखें,
तो उस डायमेंशन से ज्यादा बड़ी तुम्हारी वेदना है, तुम्हारी वास्तविक जीवन की व्यथा है। इसलिए योर ग्रीफ इज मच मोर इम्पॉर्टेंट एंड मच मोर नोटवर्दी देन व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इन दिस कैंपेन, इन दिस इलेक्शन रैली। यहां सीताकांत महापात्र ये बताने की कोशिश करते हैं कि वोटर की वेदना एक पॉलिटिशियन के इलेक्शन ड्रीम से कहीं ज्यादा बड़ी होती है। ये हमारी द इलेक्शन पोयम की पहली 10 पंक्तियां थीं जो वीडियो नंबर 1 में कवर की गई हैं। इसके बाद बाकी की लाइंस जहां कविता का दूसरा भाग हमें देखने को मिलता है वो वीडियो नंबर 2 में कंप्लीट होंगी। आप कृपया वीडियो नंबर 2 भी देखें। हियर वी हैव सीन द इलेक्शन पोएम कंपोज्ड बाय द पोएट सीताकांत महापात्र। दीज आर द फर्स्ट 10 लाइंस विच हैव बीन कवर्ड इन द फर्स्ट वीडियो एंड आफ्टर दिस we have a second video which covers the second part or the remaining lines of the same poem. So in continuation to the first video, kindly see the second video to have a proper and complete understanding of the poem The Election by Sitakant Mahapatra. Kripya अगली वीडियो देखें ताकि आप पूरी वीडियो को देख पाएं और कवि सीताकांत महापात्र ने क्या कहना चाहा है ओडिशा के लोगों की व्यथा वेदना और पॉलिटिकल बैकड्रॉप में वो किस तरह के अनुभव से गुजरते हैं, क्योंकि रियलिज्म पर बेस्ड पोएम है तो उसके लिए आप दोनों पार्ट्स को आवश्यक रूप से देखें। धन्यवाद। थैंक यू।